हिंदू धर्म रे शरत पूर्णिमा बा कुमार पूर्णिमार बेस खास महत्व रही। आश्विन मासर पूर्णिमा को शरत पूर्णिमा कहा जाए। बार मास रे तेरो पर्व मध्य रे कुमार पूर्णिमा ओडिशार एक विशेष पर्व। एहाकु कुमारोत्सव मध्य कहा जाए। एही दिन मध्य गजलक्ष्मी पूजा होइथाय। आश्विन मास पूर्णिमा तिथि रे एही पर्व पालित हुए। कुमार पूर्णिमा हेउछि कुमारी मानंकर एक विशेष पर्व। प्रतिवर्ष जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक सदानंदपुर गाँव रे एही पर्व किछि नियारा ढंग रे पालित होइथाय। कुमार पूर्णिमा पूर्व रात्रि रे गाँ अगणा रे कुमारी माने कई फूल रे तयारी करंती विभिन्न प्रकार रो कोठी। केवल कई फूल रु प्रस्तुत होइथिबा एही कोठी को देखिले जे केही मनमुग्ध होइजिवो। एही परंपरा को बजाय रखिबा को जाय चलित वर्ष कुमारी माने आडंबर सहकारे पाळिछंती एही उत्सव। कुमार पूर्णिमा आसिले जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक रो सदानंदपुर गाँ होइ उठे चलचंचल। सात दिन पूर्वरु प्रत्येक निज निज चौना मूले तयारी करिथांती कई फुलर कोठी। आउ कुमार पूर्णिमार ठीक पूर्व रात्रि रे कुमारी माने गाँर अगणा रे तयारी करिथांती विराट विराट कोठी। केवल कई फुलर ही एहा तयारी होइथाय। एहाकु अधिक आकर्षण करिबा पई रंगोलीर व्यवहार करा जायथाय जहाकु केही निज आखिरे न देखिले विश्वास करिहेबो नाही। वर्ष वर्ष धरि एही कोठी पूजा परंपरा भावे चली आसुछि एही गाँरे। एभली कोठी पूजा कले कई फूल और चंद्रों मध्य प्रेम और भल पाइबा भली विवाह परे स्वामी और स्त्री मध्य संपर्क भल रहिबार विश्वास रही। तेबे चलित वर्ष एही उत्सव को खूब धूमधाम रे गाँर कुमारी माने पाळिछंती। प्रतिवर्ष भळी ए वर्ष मध्य कुमार पूर्णिमा पूर्व दिन आंब ग्राम रे आमे बड़कोठी पालन करूछु। बड़कोठी रे ठीक सात दिन पूर्व आमे सब कुमारी झी माने मिसी आमर चौरा पाखरे कई फूल रे अधा जन तयारी करी थाउ। कुमार पूर्णिमा पूर्व दिन आमे बड़कोठी पालन करी थाउ। बड़कोठी रे आमर भाई माने जेजे माने आमको बहुत साहाज्य भी करंती। आमर भाड़ भाई माने मिसी से माने फूल अन्वेषण रे सकाळु जाई थांती कई फूल तोळी के आमको आणी के देई थांती। चारटा बेळ उठु आमर जेजे माने आमको खड़ी रे आंकी देई थांती विभिन्न पौराणिक चित्र आदि आंकी देई थांती। आमे कई फूल जिंक बेलून्स कलर्स साहाज्य रे सबु आमर कोठी को जेते सुंदर सजेई पारिबु सजेई थाउ। फाइनली आमर बड़ भाई माने आसिकी पाळभूत कि कुटारे आमको आसिक डरई था आम कोठी भांगा को बहुत चेस्टा करता बहुत आमको आनंद लगे। प्रतिवर्ष कुमार पूर्णिमा पूर्व दिन आम कोठी बनाई था। आम ये कुमार पूर्णिमा पूर्व दिन करम मानक दिन नहीं कि आम कई फूल रे कोठी अंका जाए। आम कई फूल रे कोठी आंकु आर्जरे सजो आम दांड को आम पूर्वर होसी आम यहाँ परंपरा यहाँ आम जेजे मान बेलू जेहेतु जेजे मैंने आंकती आम आपको साय करते आंक पारे थ्रु रे आम ये सब कर आम बहुत उत्साह सहित बर्ष बर्ष अपेक्षा करी बुली आम पैसा तोली सबू माइक व्यवस्था हो लाइट व्यवस्था हो केमी आम कोठीटा भल हम आम साई नाटा जीव आम से अनुसार आम सब पालन कर। आजको प्राय 150 वर्ष हेबो कोठी परंपरा चली आसुछि एही गाँरे। सदानंदपुर गाँव में चली आसीथिबा एही कोठी पूजा परंपरा को स्वर्गत सफ्रेश्वर महांति आरंभ करिथिले। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंग द्वारा लिखित पुस्तक चित्रकाव्य बांधु द्वयरे अंका जाइथिबा एही कोठी को से गाँर अगणारे आंकिथिले। धीरे धीरे एही कोठी परंपरा अन्य गाँ को व्यापुथिबार मध्य लक्ष्य करा जाउछि। आम तो बहुत आनंदर सहित यही दिन टी अपेक्षा कर सब गाँर आम गाँर सब साहर झील मैंने बहुत उत्साह सहित यह पालन करमती पालन करने बहुत चेषा कर बहुत उत्साह सहित आम यू पालन करमर नियम अच्छे कि जे केवल कई फूल ही आम कोठी तैयारी हाँपाई कि आम एकर्षित करने बेसी सहित रंगोली आ जिंक्र व्यवहार करुचु। सबु साई रे विभिन्न प्रकार चित्र आम आंकु था राधा कृष्ण नागबंधन एमती विभिन्न प्रकार चित्र आम आंकी था। प्रत्येक वर्ष आम आसू ये देखापी कोठी सदानपुर ग्राम रे बहुत सुंदर कोठी हुए झील मैंने सब एकाठी हो कोठी पकाती आमे भी टी सामिल हो आसिकी तांक सहित बहुत भल लगे सहित मिसिकी टे कोठी पकेबापी सात आठ वर्ष हम प्राय आम ये आसुचु कोठी देखापी
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଠି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଝିଅ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଛୁ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏକାଠି ହେଇ। ଏହି କୋଠି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୁମାରୀମାନେ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ରାତି ତମାମ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ହୋଇଯାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ପାଳଭୂତ ବେଶରେ ଆସି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଏହି କୋଠି ପୂଜାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ତେବେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଯାଜପୁରରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।